सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो आप देख के समझ ही गए होंगे, आज हम जो है डेल्टा VFD ELW की बात कर रहे हैं, इसके कैसे कनेक्शन होंगे और कैसे ये चलेगी, इनपुट आउटपुट सारी बात करते हैं, पैरामीटर्स की और ये पोर्ट कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, कनेक्शंस कैसे होंगे। तो इसके ऊपर की साइड में है ये तीन वायर लगे, L1, L2, L3 यानी कि RST, और ये जो नीचे के साइड में केबल लगाया हुआ है ये कनेक्शन है UVW T1, T2, T3। ये है ड्राइव की इनपुट और ये है ड्राइव की आउटपुट, यानी कि ये मोटर में जा रहा वायर, ये हमारी मोटर है, मोटर में हमने कनेक्शन ये कर रखे हैं। फ्रेंड्स, पोर्ट के तार लगते हैं आपके ACM 10 वोल्ट और AVI पे, ये जो थ्री वायर लगे ये है पोर्ट के, ये मैंने अपना पोर्ट लगा रखा है। उसके बाद इसको स्टार्ट करने के लिए, इसको स्टार्ट कैसे करना है, एक वायर आपको लगाना है DCM पे और दूसरा लगाना है M1 पे। अगर आप यहाँ से ऐसे ही शॉर्ट करते हैं, ऐसे ही इन दोनों को वायरों को शॉर्ट करते हैं आपस में, तो भी ये चलेगी। मैंने क्या किया है, मैंने ये वायर जो है अपना रिले में लेके आऊँ, ठीक है, मैं रिले के थ्रू इसको ऑन करता हूँ, रिले में मैंने कनेक्शन कर रखे हैं। रिले का कनेक्शन आप जो है इधर देख सकते हैं, इसके थ्रू मैंने जो ये बटन लगा रखे हैं इनके थ्रू मैंने रिले को ऑन ऑफ करवाया है। अच्छा, इसका क्या है कि रिले जब ऑन हो जाएगी तो रिले ऑन होने के बाद ये जो मैं आपको बता रहा हूँ दो वायर हैं ये आपस में शॉर्ट हो जाते हैं इस जगह पे, यहाँ पे, तो इनके शॉर्ट होते ही वो चल जाती है। तो चलिए ऑन करके दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले ये मैंने, ये देखिए अंदर जो आपको वो दिख रही है रिले, वो भी ऑन होगी और ये बटन मैं दबा रहा हूँ, ये देखिए ये मैंने बटन दबाया और आपकी इधर मोटर रन करने लगी। ये मैंने ऑफ़ किया तो रिले ऑफ हो गई और ये मोटर आपकी स्टॉप हो गई। अभी ये पोर्ट के थ्रू कर रखी है, पोर्ट से ये चल रही है, पोर्ट से स्पीड हम कम ज़्यादा इसकी कर सकते हैं ऐसे, पर अगर इसको पोर्ट से हटाना है तो उसकी सेटिंग देखते क्या है। अगर हम पोर्ट पे नहीं रखना चाहते, इस पोर्ट से ये चलाना चाहते तो उसकी सेटिंग करते हैं अभी, तो ये पोर्ट फिर काम करना बंद कर देगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एंटर दबाएंगे, उसके बाद एक और बार एंटर दबाएंगे। पैरामीटर नंबर 2 आ गया, ये 2 में फिर से एंटर दबाएंगे, 1 पड़ा हुआ है, अब इसको हमें 4 करना है, एंटर कर देंगे फिर से, हो गया। अब हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं, अब हमारा क्या है आप देखेंगे तो ये वाला पोर्ट काम करेगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये होगी पोर्ट की सेटिंग, पैरामीटर नंबर 2 में जाके जब हम 1 से 4 कर देंगे तो ये वाला पोर्ट काम करेगा, और अगर 1 कर देंगे तो बाहर वाला पोर्ट काम करेगा, एक्सटर्नल पोर्ट। तो फ्रेंड्स, ये तो होगी पोर्ट की सेटिंग, अब हमें चलानी है बाहर से, तो हम वापस उसी सेटिंग पे अपना कर लेते हैं। उसी सेटिंग पे जाने के लिए 2 में गए और 4 की जगह मैं फिर से 1 करता हूँ, क्योंकि मुझे बाहर के पोर्ट से चलानी है। तो आप देखेंगे ये काम नहीं करेगा मेरा बाहर का पोर्ट, ये वाला काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक सेटिंग की बात और करते हैं कि अगर हमें यहाँ से चलानी हो तो कैसे चलाएंगे। अभी तो मैं चला रहा हूँ इससे रिले से, जो वायर है अपने यहाँ पे शॉर्ट करने के बाद तब चल रही है ये, अगर मुझे इसी से चलानी हो तो कैसे चलेगी, तो इसकी सेटिंग भी फ्रेंड्स जान लेते हैं। तो इसकी सेटिंग है आपके, पहले सबसे पहले एंटर करेंगे, एक बार और एंटर करेंगे, 2.1 आ गया, 2.1 की सेटिंग को फिर से एंटर करेंगे,
इसमें 01 डला है, 01 की जगह पे हमें करना है 0 करके इसको एंटर कर देंगे। एंटर हो गया। अब हम इस ड्राइव को यहीं से चला सकते हैं, यहीं से ये रन का बटन है, अब हम इसी से इसको ऑन कर सकते हैं। ये देखो हमारी मोटर चल गई है, मैं यहीं से इसको स्टॉप भी कर सकता हूँ, मेरी मोटर स्टॉप हो गई। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई जानकारी चाहिए इसके बारे में तो आपको मैं कमेंट में आप लिखें तो मैं प्रोवाइड करा दूँगा। थैंक यू सो मच।